किए बगैर मुसलमानों के समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। और एक विषय भारत का मुसलमानों को देश की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी न होना सबसे बड़ी समस्या है। ये जो तीसरा विषय है इसको मैं पहले चर्चा में लेता हूँ ताकि जो मुसलमानों का सेविगेशन है जल्दी आसानी से समझ में। हमारे माननीय साहब ने कहा कि मुसलमानों को सामाजिक समस्या की समझ है मगर राजनीतिक समस्या की उनकी समझ है। दूसरा सब ओपिनियन पूरे देश भर में हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि मोहन भागवत आरएसएस के लोग इस धर्म को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो प्रचार कर रहे हैं वो इस मूल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मगर हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। वर्षों को मुसलमानों को समर्थन नहीं देना चाहिए। वो इस मूल को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी सर पटका पटका के मर भी जाए तो भी इस मूल का नाम हिंदुस्तान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, लिखा अंग्रेजी में, जब ये दस्तूर बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर को अंदाजा था ये ब्राह्मण जो है ये यहूदियों की नस्ल है और ये यहूदियों की नस्ल होने के नाते हमारे लोगों को हजारों साल से जाहिल बना के रखा है। जब ये अंग्रेजी में दस्तूर बनेगा तो इसका हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो गड़बड़ नहीं। उन्होंने पहली लाइन में लिखा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो है इसका अनुवाद भी अंग्रेजी में कर दिया। अब वो जो जालिम लोग है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द नहीं है, हिंदू शब्द नहीं है। अब हिंदू शब्द नहीं है, हिंदुस्तान शब्द नहीं है मगर मुसलमान लोग अगर इस सामाजिक व्यवस्था की समझ रखते तो जो जालिम लोग है जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद। मगर मुसलमान लोग जिनका ईमान सही है जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं और गैर बराबरी के लिए इस्लाम पैदा हुआ तो ब्राह्मण लोग जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्दों के खेल को क्यों नहीं समझ रहे, उस शब्द के इस्तेमाल करने के मकसद को क्यों नहीं समझ रहे। इस रूप में हमने चर्चा चिंतन का विषय बनाया कि मुसलमानों को भी गैर मुस्लिम जो मजलूम है उनको तो समझा ही रहे मगर हमारा जो मजलूम भाई अभी जो नया नया मजलूम बनाया आजादी के बाद मुसलमान भाई और वो भी डीएनए का भाई है उसे हम कोस नहीं रहे, उसे हम ताना नहीं दे रहे, उसे समझा। कुरान का पहला ही अल्फाज है इकरा पढ़ और कुरान का निचोड़ है इल्म हासिल कर। ये जो इल्म हासिल करना है वर्तमान हमें जीना है और सम्मान पूर्वक जीना है तो ब्राह्मण लोग 3% हैं और 3% लोग गांव का प्रधान का सदस्य नहीं चुन सकते लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1950 के बाद। वो लोग एमपी एमएलए कैसे चुन रहे हैं, वो लोग सीएम कैसे चुन रहे हैं, वो लोग पीएम कैसे चुन रहे हैं, वो लोग तय कैसे कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को हटाया जाएगा, वो कैसे तय कर रहे हैं। लोकतंत्र में संभव नहीं है। सीरिया की बात करना लोकतंत्र में संभव नहीं है। वो कैसे रहा, केवल एक शब्द है एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और शब्द है हिंदू और हिंदू शब्द जो आया ये सामाजिक व्यवस्था में ये भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता, भारत के दस्तूर में मिलता ही नहीं है। जब ये शब्द दिया जा रहा था तब ब्राह्मणों ने मुगलों कहा ये मुगलों का शब्द है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है। केवल इतना कहने से नहीं चलेगा, हमें हिंदू मत को हिंदू का मतलब है काला चोर, काला डाकू, काला गुलाम और एक शब्द होता है बास्टर्ड, एक मिनी है नाजायज, नाजायज हो गई। हिंदू कोई गौरव सूचक शब्द नहीं है।
और 1875 तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में ऑन रिकॉर्ड में लिखित में कहा कि हम लोग आर्य रेस के लोग हैं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू तो मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। ये जो शब्द दिया गया समस्त प्रजा को दिया गया, समस्त गुलाम प्रजा को दिया, मगर ब्राह्मणों ने इसका इनकार किया। ये कहकर इनकार किया क्योंकि जिजिया कर लागू होने वाला था, जिजिया कर लागू ना हो इसके लिए उन्होंने अपने आप को हिंदू मानने से इनकार किया और जिजिया कर ब्राह्मणों पर लागू नहीं। 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, चले जाओ 650 साल मुगलों ने राज किया, कभी भी कोई आया नहीं चले जाओ कहने के लिए एडजस्टमेंट की। ब्राह्मण हमेशा दाव पेश में परिवर्तन करता है। हम ये जो खुसूसी लोगों से जो बात कर रहे हैं ना, बहुत खुली जहन से बात कर रहे हैं। हम भी ये चाहते थे कि कोई ओपिनियन आ जाए, अलग राय हो, अलग ओपिनियन हो, लोकतंत्र में जायज है, तानाशाही नहीं होगी, दबाई नहीं जाए। हम ये बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोकतंत्र में भीख मांग सकता था, आज उसने SC ST OBC और माइनॉरिटी को इतने किनारे लगा दिया कि लोकतंत्र में इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। क्यों हो गई है? तो सामाजिक व्यवस्था की समझ हमारे लोगों में पैदा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इल्म हासिल होगा। कौन सा इल्म हासिल होगा? दोस्त की पहचान और दुश्मन की पहचान। दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने का मकसद ही जो लोग हमारे लोगों को हिंदू कहते हैं उसके पीछे उनका मकसद। मैं सहारनपुर गया, देवबंद गया, मैं मेरठ गया, इस बेल्ट में ज्यादा समय लगा रहा हूं। क्यों? तो मुझे यहां आने के बाद जानकारी मिली। वो तो समझ रहे थे कोई हिंदू हमें बता रहा, जो मैं बात कर रहा था तो समझ हिंदू कैसे हमारी किताबों के बारे में जानकर रखता। जब हमने उनको विश्लेषण करके बताया कि इस मुल्क में एक भी हिंदू नहीं रहता, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे, एक भी हिंदू नहीं रहता। तो उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने उदाहरण दिया कि नागपुर में एक शख्स है जिसका नाम है मोहन भागवत। अच्छा, तो उस मोहन भागवत को ऐसा लगा एक दुकान खोलनी चाहिए, तो नागपुर में उसने दुकान खोली, बड़ा पेंटिंग किया, कलरिंग किया और बड़ा नाम रखा, होटल का नामकरण किया, यज्ञ करके नामकरण किया और होटल का नाम रखा हिंदू किराना दुकान। किराना यानी जनरल स्टोर, हिंदू जनरल स्टोर। एक शख्स वहां पर गया और उसने दुकानदार मालिक भागवत को कहा, भागवत जी, भागवत सेठ जी, मुझे 10 किलो हिंदू दो। क्या बात है, क्या बात है? उसने क्या कहा? 10 किलो, मुझे 10 किलो हिंदू दो। तो भागवत जी ने तो आना सुनने सुना ही नहीं ऐसा किया, फिर बार बार उसको कहा, रहे हो जो तुमने लिखा है वो हिंदू जनरल स्टोर, उसका हिंदू जो है वो 10 किलो मुझे चाहिए। तो भागवत जी को अब लगा पकड़ में आ गया। तो भागवत जी ने जवाब दिया, यहाँ मेरी जनरल स्टोर में चीनी मिलता है, दाल मिलती है, बढ़िया किस्म की साबुन मिलती है, पेस्ट मिलता है, ठंडा पीते हो तो ठंडा मिलेगा, अगर स्मोक करते हो तो सिगरेट मिलेगा, माचिस की डिब्बी भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी, मगर हिंदू नाम की दुकान है मगर हिंदू नाम की कोई चीज नहीं मिलती। जैसा उस किराना की हिंदू नाम की किराना की दुकान में हिंदू नाम की चीज नहीं मिलती, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू धर्म है मगर हिंदू नाम का शख्स भी नहीं मिलता। यहाँ कौन मिलता है? अहिर मिलता है, मौर्या मिलता है, सहेली मिलता है, कश्यप मिलता है, चमार मिलता है, बंगी मिलता है, कितने कितने जातियों के नाम मिले जिन्हें ब्राह्मण हिंदू कहता है उसके पीछे उनका मकसद है। जिन्हें ब्राह्मण हिंदू कह रहा है उसके पीछे ब्राह्मणों का मकसद है, वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता है और अल्पसंख्यक होने के बावजूद
वो बहुसंख्यक बनने के लिए हिंदू शब्द का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर मुसलमान लोग अगर इसके धोखे को समझते तो मुसलमान लोग क्यों कह रहे हैं इनको हिंदू, इनको हिंदू क्यों कह रहे हैं? वो तो मजलूम है, वो सताए हुए लोग हैं, और उनको इल्म से तोड़ा गया, और कितना तोड़ा गया आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज ये SC ST के संदर्भ में कह रहे हैं जनाब कि SC ST के लोग मुसलमान के घर का खाना नहीं पसंद करते, ये सच है। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण और ठाकुर खाना पसंद करते, बाहर गोरक्षा के नाम पर भड़काते हैं और खाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? और ये क्यों नहीं करते? अगर ये करते हैं तो ये खिलाते क्यों? वो तो यहूदी है, वो यहूदी है, और यहूदियों को अपना सरपरस्त नहीं मानना है, दोस्त भी नहीं मानना है। यहूदी कभी आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, गिड़वा रहा है। ये जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, विदेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, साथियों ये जो चरित्र है इस व्यवस्था का, इस व्यवस्था के चरित्र की समझ हम SC ST मजलूमों में भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मुसलमानों में भी कर रहे हैं। व्यवस्था की समझ नहीं होने के कारण मुसलमान सेकुलर और कम्युनल के चक्कर में फंस गया, खुद तो खड्डे में जा गिरा मगर SC ST OBC की क्वालर पकड़ कर भी गिर गए। ऐसा गिर गया, कैसे गिर गया? कि मुसलमानों को पाकिस्तानी करार कर दिया गया जाता है, चिल्लाया जाता है। अभी मैं नेपाल की बाउंड्री पर जाकर आया, अरेरिया नाम के जिले, वह हमारे दो भाई बहन संगठन में काम करे, वो कार्यक्रम होने के बाद वो महिला कार्यकर्ता जो मुस्लिम कार्यकर्ता मुझे मिली, उन्होंने कहा भैया आपसे जरा जरूरी बात करनी है, अकेले में करनी है। तो मुझे लगा कोई दिक्कत होगी फीडबैक करने की, महिला है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा बेटा स्कूल जाने का नाम नहीं ले, उसने कहा मेरा बेटा स्कूल जाने का नाम नहीं लेगा। तो मैंने कहा माँ बाप है ना, थोड़ा डांट कर कहते हैं तो आपको सही ढंग से समझाना होगा, अगर आप नहीं समझा रहे हो तो मैं मेरे किसी बामसेब के कार्यकर्ता को कहूंगा, उसके साथ जरा दोस्ती बनाकर समझाए कितनी उम्र का है। तो उसने कहा मेरा बेटा 9th क्लास में। मैंने कहा बड़ा है क्या प्रॉब्लम है उसका? तो उस महिला कार्यकर्ता जिसको इल्म हासिल हो गया, संजीव के साथ जुड़ने के कारण उसको इल्म हासिल हो गया, उसका स्वाभिमान जिंदा हो गया, तो उसने कहा अब मेरा बेटा कहता है क्लास में, सरकारी स्कूल है, बहुत गरीब स्थिति है, वह नेपाल की बाउंड्री के लोगों को बहुत मदरसे दूर दूर तक, यहाँ आते तो जगह जगह मदरसे, तो वह सरकारी स्कूल में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चे, मदरसे में पढ़ते तो कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा, वहां बच्चा कह रहा है स्कूल में मुझे टॉर्चरिंग होता है, मुझे पाकिस्तानी पाकिस्तानी पीठ पीछे जोर जोर से चिल्लाया जाता है, इसलिए बुरा लगता है और मुझे पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है। उस महिला कार्यकर्ता की कंप्लेंट थी मेरे लिए, तो मैंने उसको कहा बहन हम जो लोगों को समझा रहे हो इसके अलावा कोई चारा है हमारे पास? वो बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है जिसको कुछ लेना देना नहीं, उसे तो केवल इल्म हासिल करना है। केवल पाकिस्तानी नहीं कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है। अपनी जायज बात को अगर आप उठाओगे और इसके लिए दुश्मन को दुश्मन कहोगे तो आपको राष्ट्रद्रोही करार कर दिया जा रहा है। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने यह पहल की, वो अल्लाह के बंदे, उन्होंने पहल की। क्या पहल की? अकेले मुसलमान RSS BJP को हरा नहीं सकते, लाख चिल्लाए कुछ नहीं कर सकते। अब अकलमंदी इसमें है कि मजलूमों को साथ में लिया जाए, उन्हें ढाल बनाया जाए, उनके साथ खड़ा हुआ जाए, और इसके लिए उन्होंने पहल शुरू की दीन बचाओ दस्तूर बचाओ। आज की तारीख में RSS के लोग अपने ही लोगों को चुनते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ भोकने के लिए मजबूर करते हैं। रिजवी नाम के एक शख्स को लखनऊ में उकसाया और रिजवी के माध्यम से हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया। अब मुकदमा किसके ऊपर दर्ज करवाना चाहिए था?
जो सीरिया की बात कर रहा था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था, जो वतन को बचाने की बात कर रहा है उसके ऊपर आज क्या हो गया? राष्ट्रद्रोही है, मुस्लिम पसंद लाभ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन जो इस संत तंजीम की रीढ़ की हड्डी है, वो उनको बदनाम नहीं कर रहा है, उनके तंजीम को भी बदनाम करना है। और उन्हें बदनाम क्यों किया जा रहा है? उन्हें बदनाम इसलिए किया जा रहा है वो कोर्ट के फैसले को नहीं मान्य कर रहे। शरीयत में इंटरफियर करने का संवैधानिक अधिकार किसी को भी नहीं है, जुडिशरी को भी नहीं है, वो दस्तूर ने अधिकार दिया। आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है, हम तो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम तो हमारे दीन पर यकीन कर हमारी कम्युनिटी में उसको लागू कर रहे हैं। उसी तरह दिगर रिलीजियस माइनॉरिटी को भी हक है, वो लोग एक साथ सिविल कोड बना रहे, वो लोग एक साथ सिविल कोड बना रहे, वो लोग शरीयत के अंदर इंटरफेयर कर रहे, मुस्लिम मसला बोर बाबरी मस्जिद की केस लड़ रहे, वो दीनी तंजीम इसलिए लड़ रहे, उनका फर्ज है। अगर ये तंजीम को हटा दिया जाएगा तो रास्ता साफ हो जाएगा, अगर रास्ता साफ हो जाएगा तो 2019 का चुनाव लड़ने के लिए जमीन बन जाएगा, अगर जमीन बनना है तो मेरठ में लाखों लाखों लोगों को चड्डी पहनाकर बुलाना होगा। अभी मैं मुजफ्फरनगर से गुजर रहा था तो वहां ब्रिज पर लिखा हुआ था कि हमें इस इलाके में बजरंग दल के सदस्य भराने के लिए आवेदन इस पते पर है, भर्ती की जा रही है। पुलिस में भर्ती नहीं की जा रही, आर्मी में भर्ती नहीं की जा रही, SC ST OBC का जॉब ही खत्म कर दिया, रिक्रूटमेंट बंद हो गया, उसकी भर्ती नहीं की जा रही। मेरठ के कल एक जलसे में था, मदरसे के बड़े जलसे में, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया, एक आलिम ने बताया कि ये प्रचार कर रहे कि 27 लाख भर्ती हो गई है, अभी बजरंग दल में 27 लाख भर्ती होगी। किस लिए कर रहे ये? इसलिए आपके उत्तराखंड में काशी का रामबाण राष्ट्रीय अधिवेशन करके गया होगा, और उसका मैंने अखबार में खबर पढ़ा था, काशी का ब्राह्मण मुसलमानों का सम्मेलन उत्तराखंड में, उसका नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार आज की तारीख में मुसलमानों का नेता है मुसलमानों को बताओ। उस RSS ने पूरे मुल्क में एक ही जगह बम ब्लास्ट किए जिसका मुख्य सरगना है इंद्रेश कुमार, और इंद्रेश कुमार आज की तारीख में RSS का एक ऑफशोर विंग है, और वो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और उसके अंदर ब्राह्मण औरतें बुरखा पहनकर टीवी पर आ रही है, अखबारों के मीडिया के सामने आ रही है और बयान दे रही है कि ये ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए। कौन बयान कर रहे? राम की आरती कर रही, हनुमान चालीसा पढ़ रही, बाद में पता चल रहा है वो तो दूसरी औरत है, मुसलमान नहीं है। इतना धोखा किया जा रहा है। मेरठ में था पिछले साल तो बुरखा पहनी हुई औरतें कांवड़ लेकर चल रही थी, तो मैंने वहां के काजी साहब थे मेरठ के, मैंने उनको कहा काजी साहब तो आप लोग तो कोई RSS BJP की मीटिंग में नहीं जाते, फिर आपकी औरतें कैसे कांवड़ उठा रही है? तो उन्होंने कहा खरा साहब आप लोग शक करते हो, किसी भी मुसलमान ने उस संपादक के ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाया कि ये सिद्ध करिए कौन से घर की औरत है, बुरखा पहन ले कहा पता चले ये कौन औरत है। व्यवस्था को समझना होगा। वो जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, ये मुद्दा मंडल के आंदोलन को दबाने के लिए उठाया, ये सच है, मगर इस मुद्दे को उठाया जो सेकुलर का झोला पहला हुआ था, उस सेकुलर आदमी ने इस मुद्दे को उठाया। RSS BJP का ये मुद्दा नहीं है, RSS BJP इसको चला रही है, किस लिए चला रही है? मुसलमानों को दबाने के लिए नहीं, ये SC ST OBC को दबाने के लिए चला रही है। हमको और आपको क्या समझ? बाबरी मस्जिद मुद्दा हो गया, ये बाबरी मस्जिद मुद्दा अलगीकरण करने के लिए बनाया, मगर ये मुसलमान इसके निशाने पर नहीं है। निशाने पर कौन है? मजलूम लोग। मजलूम लोग क्यों है? 5000 साल का बदला लेने का अवसर संविधान के माध्यम से मिला, उनको डर है आज न कल इकट्ठा हो जाएंगे, ये इनके महापुरखे है, इनके महापुरुखों की विचारधारा को मान रहे हैं, जॉब में जा रहे, अकल से बामसेप में आ गए हैं, अपनी अकल और ईमानदारी के साथ समाज में संगठन बना रहे हैं, तो कल ये बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने योजना बनाकर
यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए हिंदू हिंदू का नाम का इस्तेमाल लिया। खतरे में ब्राह्मण है, ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी हो या वर्तमान ब्राह्मण हो, आज भी ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़के जीता मानेंगे फिर असली बाप की औलाद। ब्राह्मण के नाम पर चुनाव जीतने वाले नहीं, ठाकुर के नाम पर चुनाव जीतने वाले नहीं, हारेंगे हो। किस नाम पर जीतते हैं? हिंदू के नाम पर। ये हिंदू शब्द आया कहां से? वहां से आया। इसका वर्तमान में प्रयोग किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। समस्या खड़ी कर दी। लोकतंत्र को स्थापित होने के एक महीने पहले एक बड़ी समस्या निर्माण कर दी और 2019 के सामने वो फिर से आ गई। उसको मालूम ब्राह्मण बनिया कटोरा लेकर भीख मांगेंगे तो भी लोग वोट डालने वाले नहीं, भिखारी बनने के बावजूद भी वोट डालने वाले नहीं है। तो उसने तरकीब बनाई, आबादी कम है तो हिंसा कायम होनी चाहिए, फसाद कायम होनी चाहिए, अगर फसाद होगी तो वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और दो नाम से वोट बांटे जाएंगे, हिंदू या मुसलमान। एससी एसटी ओबीसी तो हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं, वो हिंदू है नहीं, मगर उन्हें हिंदू बनाया जाता है फसाद के नाम पर। तो फसाद की जड़ कौन है? कांग्रेस है। मुसलमानों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में दो पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस एक है बीजेपी। मुसलमान लोग भी और शेड्यूल कास्ट के लोग भी ये मानते हैं ये पत्थर है तो ये ईंट है, पत्थर से ईंट अच्छा है, ये पत्थर है और ईंट है। पत्थर मारोगे सर पर, सर फट जाएगा, आदमी मरेगा। एक बार ईंट मारोगे बेहोश हो जाएगा और जोर से ताकत लगाओगे तो भी सर फट जाएगा। ईंट से भी फटेगा, सर से भी फटेगा, तो सर फटका क्यों है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद जिले का कलेक्टर के नैयर को अपने घर पर बुलाया, उसे गुप्त प्लान समझाया। उस प्लान के तहत 23 दिसंबर 1949 के रात के 1 बजे उस कलेक्टर ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। हो गया, गेम कहां से शुरू हो गए, क्यों शुरू हो गए, क्या मकसद था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू करने वाला अगर कोई शख्स है तो उसके तय तक जाना पड़ेगा। सिद्धांत और सच किसी के मोहताज नहीं होते, और सच सच आते सामने आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई और उसका अखबार में खबर आई, पांचजन्य आरएसएस का अखबार, उसमें डिटेल खबर आई और खबर में लिखा गया कि रात के 1 बजे राम लल्ला अवतरित हुए। रखी इसमें अब रिपोर्टिंग कर रहे हो, जिस आदमी ने मूर्ति भाई उसकी बीवी का नाम सुशीला है, उस सुशीला को चुनाव में खड़ा किया और उसको जितवाया। प्रथम लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस ने मिलकर लोकतंत्र में धोखा किया और 3% ब्राह्मणों का वर्चस्व, प्रथम लोकसभा में 60% टिकट देकर इस कश्मीरी ब्राह्मण ने नेहरू ने 47% ब्राह्मणों का वर्चस्व लोकतंत्र पर कब्जा करवाया और उसके कब्जा करने का रिजल्ट आया, पार्लियामेंट यहूदी ब्राह्मणों के कब्जे में, ब्यूरोक्रेट्स यहूदी ब्राह्मणों के कब्जे, जुडिशरी यहूदी ब्राह्मणों के कब्जे में, मीडिया यहूदी ब्राह्मणों के कब्जे में, और तब से लेकर आज तक लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि मुसलमानों को केवल पैदा किस लिए हुए है तो मानो कांग्रेस को वोट देने की, मतलब उनका एक बन गया है, उनको सीएम बनना नहीं है, उनको कलेक्टर बनना नहीं है, उनको जजेस बनना नहीं है, उनको आदमी बनना नहीं है, काय के लिए वोट डालनी है। और सेकुलर और कम्युनल के नाम पर मुसलमान इतने गुमराह हो चुके हैं कि ये 2019 को भी उनको डर लग रहा है बीजेपी आ जाएगी तो उसके लिए विकल्प ढूंढ रहे कांग्रेस। जिसने समस्या पैदा की वो समस्या का समाधान करने वाले नहीं। अभी अखबारों में खबरें आ रही है, एडिटोरियल पन्ने आ रहे हैं कि राहुल गांधी का भी हिंदुत्व है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, अभी खबरें आ रही है। गुजरात चुनाव से खबरें आना शुरू हो गए,
ये खबर आएगी ना, नरेंद्र मोदी जितना मंदिरों में दर्शन करते थे उससे चार गुना ज्यादा मंदिरों में राहुल गांधी गए और रिकॉर्ड ब्रेक मंदिरों में ब्राह्मणों को चंदा दिया। और चुनाव जीतने के बाद कई सीटें तो कांग्रेस को आई, उसके बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया जिन जिन मंदिरों में मैं गया तो मेरी सीटें जीत कर आई, इसलिए उन मंदिरों में राम की मूर्ति मैं रखवाने वाला हूँ और 2019 में हम भी कांग्रेस के लोग राम का मंदिर बनाने के लिए अग्रणी रहे। उनका स्वप्न हिंदुत्व है, इनका कैसा है एक ही झटके में काट डालते हैं, और इनका हिंदुत्व कैसा है स्वप्न हिंदुत्व है, ऐसा सूर्य रखते हैं और सूर्य रख करके तो दर्द तो नहीं हो रहा है मौलाना है, जरा जरा धीरे करो या कलमा पढ़कर काटू, हमारे लोगों के साथ इमोशनल ब्रेक में नहीं हो रहा है। आम लोगों की गलती नहीं है, जिनके अंदर इल्म है वो सामने आकर बोल दे रहा है। अरे हमारे पास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास फ्रंट बनाने की ताकत है, मायावती और मुलायम के पास ताकत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने घर में यहूदियों को बना रखी है, यहूदी कभी उनको सुधरने देने वाला नहीं है। और उनको ये राज पता चल गया मायावती और मुलायम अखिलेश को कि उनको जो आज जिंदा है वो अंदर घुसे हुए यहूदी ब्राह्मणों के कारण जिंदा है क्योंकि वो उधर सेटिंग करते हैं, तो ताज के रेडर और कई सारे घोटाले आएंगे लालू की तरह अंदर जाएंगे। उन्होंने मिशन को भेज दिया और समाज को भेज दिया, सिद्धांत को चलाने के लिए हमें पहल करनी है, हमें किसी के मोहताज नहीं होना। साथियों अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों पर राज क्यों करता है केवल एक अल्फाज हिंदू, ये हिंदू कहना छोड़ दो, ये समाज में बार बार प्रचार करना पड़ेगा, पागल की तरह प्रचार करना पड़ेगा। वो पागल की तरह प्रचार करते उन्हें मालूम है गाली सूचक शब्द वो जाहिर बनाकर उनके बस्तियों में जाते उनको उकसाते, अरे हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में बार बार चिल्लाते। और वो कहते किसके कारण खतरे में, मुसलमानों के कारण खतरे में, फिर उनका टेस्ट लेते अगर उनको हराना है तो गर्व से नारे लगाने होंगे, और वो नारे लगाते गर्व से कहो हम मतलब के साथ समझोगे तो मतलब के साथ जो बुरा लगेगा। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में कहा है कि शूद्रों के घर में मत जाओ, उसको छुओ मत। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में कहा है कि शूद्रों के घर मत जाओ, उन्हें छुओ मत। और इस्लाम में कहा है कच्चे पक्के मकान जाए वहां जाओ और वहां मसावाद का प्रचार करो। अरे दोनों की तुलना करके अगर देखते हैं तो इस्लाम कहता है कि हर घर में जाओ मसावाद का प्रचार करने के लिए, और ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ कहता है शूद्रों के घर मत जाओ, मगर फिर भी वो अपने धर्म ग्रंथ की न मानते हुए शूद्र यानी ओबीसी के घर में जाते। काय के लिए जाते, धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं जाते, उनके धर्म ग्रंथ में तो मना करिए न जाने के लिए, वहां जाते हैं कान में कहते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, आपको तो ऑर्डर है आदेश है कि मजलूम के साथ दोस्ती करो, मजलूम के साथ जाओ। मगर समझने के कारण मुसलमान भी परेशान है और एससी एसटी ओबीसी भी परेशान। बाबरी मस्जिद का इशू का मैंने जिक्र किया, ये इशू हमें जुडिशरी के बाहर हल करने की बात, एक आदमी जो साउथ इंडिया का है ब्राह्मण है वो जाति से, वो कह रहा है कि सीरिया करेंगे, मुस्लिम पसोल्ला बोर्ड को उसने खत लिखे और खत लिखकर उसमें भी यह बयान दिया कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आप उदारता का प्रदर्शन करो। और मेरठ में भागवत जैसा ब्राह्मण ने कहा मुसलमान भी हिंदू है और आयगिरी, और उनके एक मंत्री ने और खुद भागवत ने बयान दिया मुसलमान राम की वंशज है। यहां तक औकात नहीं, अभी मुसलमान हिंदू है यहां तक है, उनको मालूम है मस्जिद के लिए समर्थन में आएंगे, तो उन्होंने कैलकुलेट बयान दिया कि मुसलमान भी राम के पुरखे हैं, वंशज हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर ब्राह्मण आपको हिंदू कह रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है, मुझे आ रहा है, आम पब्लिक को क्या है, अकेले को समझना अलग बात है, अकेले चलना अकेले बात रखना अलग बात है, आप जैसा सोच रहे हो
वैसा लोगों को तैयार करना अलग बात है, वो तो पैगंबर साहब का मिशन है। लोगों को भी वैसा सोचने के लिए तैयार करो। बाबरी मस्जिद का इशू ब्राह्मणों ने ओबीसी को हक न देने के लिए पैदा किया, और ये हक न देने के लिए जिन लोगों ने पैदा किया उस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस का था पीवी नरसिंह राव ने खुद प्लान बनाकर मिलिट्री भेजकर कार सेवकों को सपोर्ट करके बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस अम्मा है आरएसएस की। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, मैं साल दो साल मुसलमानों के बीच में घुमा तो मुझे बड़ा झटके लगे कि ये कांग्रेस का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, कांग्रेस के पीछा क्यों नहीं छोड़ते। अगर ये छोड़ेगा तो मजलूम के साथ है, मजलूम के साथ आने के लिए कांग्रेस को छोड़ना होगा। एससी ओबीसी का साथ कब पकड़ेंगे? एक यहूदी को छोड़ेंगे तो दूसरे यहूदी को हम आएगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये आरएसएस का संस्थापक है, मगर ये कांग्रेस का उस समय का विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, ओरिजिनल मेंबर नहीं, जनरल सेक्रेटरी। दो बार जेल में गया 1919 के बीच में हथियार रखने के मामले में, वह बंगाल में जाकर हत्याकांड किया, उस समय उसको 1 साल की सजा हुई, और 1921 और 24 के दरमियान नागपुर रीजन में फसाद करवाए मुसलमान के खिलाफ तो 9 महीने सजाई हुई, और जब जेल से रिहा हुआ तो कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू को भेजकर उसका जाहिर सत्कार करवाया। आरएसएस की स्थापना की और मध्य दम तक गांधी के आंदोलन में समर्थित भाव से काम करता रहा, यानी दो कैरेक्टर था, कांग्रेस का भी मेंबर कायम रहा और आरएसएस का संस्थापक भी कायम रहा। साथियों, ये कांग्रेस ने यह पैदा किया, क्यों पैदा किया, इसके पीछे पक्ष 1918 में शरू कास्ट के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में कहने लगे हम हिंदू नहीं है, अगर हम हिंदू नहीं है तो हमें हमारा नेता चुनने का हक दो। मुसलमानों को तो कमरेदार मिल रहा था, सिखों को भी मिल रहा था, बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने डिमांड रख किया कि हम भी हिंदू नहीं है, हमें भी कमरेदार दो, पार्टी हमारी होगी, कैंडिडेट हम चुनेंगे। कमरेदार इसको कहते। फिर ब्राह्मणों को खतरे की घंटी लगी कि अगर ये भी आजाद है और ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर आजाद हो गए तो ये साझा मंच बनाएंगे। इसलिए 1920 के बाद 3 बड़े तंजीमों का निर्माण हुआ, एक हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और 1925 में बनी आरएसएस। ये कब बनी? जब भारत में लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी, उसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने अलग अलग चेहरे बनाए, काम एक ही रहेगा मगर चेहरा अलग अलग रहे। सेकंड इंडिया एक्ट बनने के बाद ब्राह्मणों ने अपने असली पैतरे दिखाना शुरू किया, इसलिए मुसलमानों को एहसास हुआ कि ये बनिया और ये ब्राह्मण हमें हक देने वाले नहीं है, तो उन्हें मजबूर करके सेग्रीगेट का भाव निर्माण किया, और उस समय उन्होंने कई फसाद करवाए। अभी मैंने कल साहेब नामा नाम का एक बड़ी 500,000 पन्नी की एक बुक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने मेरे से जब डिबेट हुआ, मेरी बात सुनी तो मुझे उन्होंने लाइब्रेरी से निकाल कर दिखाई, मैंने उसकी कॉपी ढूंढी। वो एक आईएएस अफसर था, उसने उनका नाम है अल्लाह मेहताब साहब, ये उनकी बायोग्राफी, आईएएस अफसर थे ब्रिटिश पीरियड में, और उनका काम था उस समय अंतरिम सरकार बनी थी कांग्रेस की, और कई सूबों में उनके सीएम थे, उनकी सरकारी थी, तो अधिकारी होने के नाते वो जो सीएम होता था वो कांग्रेस का मेंबर था, एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो फाइलें उसके पास आती थी, उसको साइट आउट करता था, और उसका जो ब्राह्मण पीए था सीएम का उसके पास वो भेजता था, उसने अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया कि हमारे मुसलमान भोले हैं, उनको लगता है कि पार्टीशन दूसरे लोगों ने किया, जब मेरे पास वो संदूक
काले संदूकी में जो सीएम ने दिल्ली से लौटते समय मुझे सौंपे थे, मैंने उसको जब सॉर्ट आउट किया तो कांच पढ़ने का नेहरू का एक सीक्रेट खत मेरे हाथ में लगा और मैं जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया। उसके अंदर लिखा हुआ था कि पार्टीशन करना ये कांग्रेस का मकसद है। लिखा है मेरे पास है, अभी मेरे पास सबूत नहीं था, सबूत मिल गया। उसमें लिखा है पार्टीशन पहले ही तय था और उसमें यह तय हुआ जो जो प्रशासनिक मुस्लिम अधिकारी है वो सीआईडी विभाग हो या मीडिया विभाग हो या गृह मंत्रालय हो, वहां से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और हर शहर में हिंदू महासभा, आरएसएस और कांग्रेस ने, और पटियाला को जो राजा था उसने पैसे देकर हथियार फैलाए थे और उस खत में लिखा था कि पार्टीशन कांग्रेस ने किया ये दबाने के लिए, फसाद करवा, फसाद का फसाद किया है, किया 5 लाख लोगों की कत्लेआम हुए, माइग्रेशन तो कई लोगों का हुआ, मगर हिस्टोरियन लोग कहते हैं मुल्क का बंटवारा खून से हुआ। आज भी वो बंटवारा बनाने की भावना बना रहे हैं। व्यवस्था की समझ क्यों जरूरी है, व्यवस्था की, वो ब्राह्मणों की व्यवस्था की, यहूदी ब्राह्मणों की व्यवस्था की समझ नहीं होगी तो फिर से वो बंटवारा बनाने की भावना डेवलप कर रहे हैं। और हम ये सब्जेक्ट चला रहे हैं इतिहास करने के लिए और भावना डेवलप न होने के लिए, उस समय हमारे लोगों के लिए कमजोरी आती, मगर आज हम इस वतन को बचाएंगे, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देने पड़े इसके लिए हम हमारे लोगों को तैयार कर रहे हैं। वतन को बांटने नहीं देंगे। भारत का पार्टीशन गांधी जी ने और नेहरू जी ने बड़े प्लान से किया। कैसे किया? पाकिस्तानी कहते हैं आप लोगों, आप लोगों को पाकिस्तानी कहते हो। हर इलाके में मुस्लिम बहुल बस्ती में एक छोटा पाकिस्तान होता है। नागपुर में गया तो मुझे शरूकास के लोगों ने कहा आप मुसलमानों का तरबियती काम लेने जा रहे हो, उधर मत जाओ, उधर तो छोटा पाकिस्तान है। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का हूँ, वहां भी एक मुस्लिम बस्ती, उधर भी छोटा पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, हर जिले में मुसलमान बस्ती को उन्होंने नाम दे दिया। वो गैजेट में नहीं, इतना ही फर्क है, नाम दे दिया। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने डिक्लेयर किया कि हम भारत को जल्द ही छोड़ने जा रहे हैं और वाइसराय होने के नाते उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से डिक्लेयर किया, आम लोगों को डिक्लेयर किया, सीक्रेट नहीं, आम लोगों को डिक्लेयर किया कि हम भारत को छोड़ने के पहले भारत को तकसीम करके नहीं जाएंगे, ये ब्लेम हमारे ऊपर आएगा, हम भारत के टुकड़े करके नहीं जाएंगे, बल्कि 3 लोगों को हम वारिस मानकर उनके हाथ में जो हमारे पास पावर है यानी सत्ता है उसको हम ट्रांसफर करके जाएंगे। और वो 3 वारिस थे, पहला हिंदू, हिंदू के नाम पर कांग्रेस, दूसरा मुसलमान, दूसरा वारिस ताकतवर को मुसलमान के नाम पर लीग, तीसरा वारिस चरू कास्ट के लोग जिन्हें ब्राह्मण अछूत कहते हैं, इनकी आबादी पर फ्रंट पर थी तो उनको वारिस घोषित किया और उसका नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन तीनों के हाथ में हम ये पावर सौंप के जाएंगे। लॉर्ड वेवेल चला गया, लॉर्ड माउंटबेटन आ गया, गांधी जी ने उसके साथ गुप्त मीटिंग की, गांधी जी ने यह शर्त रखी अम्बेडकर को मिलना नहीं चाहिए। देखो अम्बेडकर को मिलना नहीं चाहिए, जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है पार्टीशन से, उससे ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट के लोगों का हुआ है। गांधी जी ने डिमांड रखा, क्या डिमांड रखा? अंबेडकर को मुसलमान को मिलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा, चला किसे का, अंबेडकर को मिलना नहीं चाहिए, इसके लिए लगा तो पार्टीशन को। गांधी जी ने वहां पर गुप्त प्लान किया, लेन देन किया, अंग्रेज लोग भी बनिया थे, लेन देन हुई, वापस आए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, वहां मौलाना आजाद भी मौजूद थे, उन्होंने उस समय के भारत के तकसीम करने के लिए जो वोटिंग लिया गया उसका वाकया उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, उनकी बायोग्राफी उनके चले जाने के बाद प्रकाशित की गई, मगर उसके आज तक 30 पन्ने गायब है, उसको सार्वजनिक नहीं किया, वो सीक्रेट थे ना, वो अंदरूनी बातें थी, कांग्रेस का चरित्र धोखा हुआ उनके साथ भी, जिस आशा से उनके साथ लगे थे,
साथियों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वोट के लिए मीटिंग हुई और मीटिंग में दो बक्से रखे, भारत का विभाजन करने वाले यहां रखे, एक बक्से में डाले, जो नहीं चाहते दूसरे बक्से में डाले। जब वोट का विभाजन हुआ, वोट की गिनती हुई, 157 वर्सेस 29 वोट की गिनती हुई और गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। गांधी नेहरू इसके लिए जिम्मेदार है। हम गांधी को महात्मा नहीं मानते, क्योंकि जब हमको 32 में अधिकार मिल चुके थे कमल नाथ से, तो उसने हमारे लोगों का खून चूसा और पुनः पैर जबरन थोपा, तब से हमारे लोग उसको शैतान मानते हैं। मगर दूसरा उसका किरदार सभी लोगों के सामने आया, जब भारत का विभाजन विद्रोह पावर से करवाया, तानाशाह की तरह कराया। वो राष्ट्रपिता भी नहीं है, किसी भी आर्टिकल में उसको राष्ट्रपिता नहीं कहा, वो महात्मा भी नहीं है। वो अपने मन से, अगर वो राष्ट्रपिता है तो भारत के नहीं, पाकिस्तान के। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता नहीं है, अगर है तो किस राष्ट्र के है? भारत के नहीं है, पाकिस्तान के है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म गांधी जी ने किया, इसलिए उनकी जो राष्ट्रपिता की जो छवि है उधर है, इधर नहीं। आजादी मिलने के पहले गांधी जी ने एक जगह बयान दिया और अमेरिका की एक राइटर थी जिसका नाम है एलनाथ झेरिये, वो इंडिया में आई बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई, और उसका टॉपिक था गांधी और अंबेडकर में क्यों झगड़ा। जब वो झगड़े की तफ्तीश शुरू की तो गांधी जी का एक बयान उसके हाथ में लगा। गांधी जी पब्लिक में कुछ और बोलते थे और प्राइवेट मीटिंग में कुछ और बोलते थे, और उनका एक पीए था महादेव भाई देसाई, तो महादेव भाई देसाई प्राइवेट मीटिंगों की स्पीचेस लिखता था, उसकी लगभग 150 डायरी है, कितना बोलता होगा वो लिखा है हर दिन का, कौन आया कौन गया, यहाँ पर क्या तकरीर दी, यहाँ कितने जाति के लोग थे, ब्राह्मण बनियाओं के बीच में अलग बोलता था, पब्लिक में अलग बोलता था। क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा, मुसलमान और अछूत गुंडे, इनको अगर आजादी मिलती है तो ऐसी आजादी को मैं लात मारूंगा। हर रिकॉर्ड बात है, मुसलमान और अछूत गुंडा को गुंडा कहा, और जिनको गुंडा कहा वो उसको सर पर चढ़ी हुई। मुसलमानों को अगर तरक्की करनी है तो सर सैयद साहब है, सर सैयद अली साहब का किरदार को समझना होगा। क्या किया उन्होंने? बाबा साहब अम्बेडकर की तरह जालिम के खिलाफ खड़े रहे, मरते दम तक खड़े। गुलाम भारत में मुसलमानों की जितनी आबादी थी उससे थोड़ा ज्यादा उनको हिस्सेदारी मिलता था। गुलाम भारत में मुसलमान आजाद थे, गुलाम भारत में एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम थे। देखो क्या हो गया, आजाद भारत में मुसलमान गुलाम हो गए। कितने गुलाम हो गए? तो गुलामी का भी टेस्ट किया, सबसे ज्यादा गुलाम शेड्यूल कास्ट के लोग है, तो पढ़े लिखे तो थोड़ी बहुत तरक्की हुई, कलेक्टर बने इनके कम्युनिटी में, शेड्यूल कास्ट के लोग कलेक्टर बने, अधिकारी बने, अभी कुछ रिटायर है हमारे मंत्री भी बैठे। गुलाम भारत में मुसलमानों का शासन प्रशासन में 33% हिस्सेदारी था, 33%। आजाद भारत में कहां पर है? सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमानों की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि जाति व्यवस्था में जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट कहता है और ब्राह्मणों की व्यवस्था में जिसको अछूत कहते हैं, अछूतों से भी बदतर हो गई है। समीक्षा कर रहे, समीक्षा तरक्की करने के लिए समीक्षा जरूरी है। गुलाम भारत में 33% है, आजाद भारत में अनुसूचित जाति से भी बदतर है, और एक जगह उनकी रिक्रूटमेंट हो गई और वो रिक्रूटमेंट है जेल, जहां होनी चाहिए तो वहां नहीं हुई। 2009 में इंडिया टुडे का रिपोर्ट आया, इंडिया टुडे के रिपोर्ट में हेडिंग था, भारत में मुसलमान कम जेल में ज्यादा, हेडिंग था। मुसलमानों को दुनिया भर की जानकारी है, इसराइल में क्या हो रहा है अपडेट है उनके पास, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है अपडेट है उनके पास, अमेरिका में क्या हो रहा है अपडेट है उनके पास, अरब में क्या हो रहा है वो भी अपडेट है उनके पास, मगर अपनी कम्युनिटी को भारत में क्या हो रहा है
क्या हो रहा है अपने लोगों के साथ? क्या दुनिया दुनिया के लोग लड़ रहे हैं, वो हक ले रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है? अपने लोगों के साथ दुनिया दूसरे लोगों के दीगर कम्युनिटी के साथ छोड़ो, अपने कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है? कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है? और हमारे लोगों को इसके बारे में इल्म क्यों नहीं है? यह समस्या हमारी है। आज वर्तमान में मुसलमानों की हालत इतनी बेकार हो गई है, आंकड़े बताते हैं महाराष्ट्र में 11% मुसलमान थे 2009 में, जेल में है 33% उनके। उत्तर प्रदेश में 21% मुसलमान है 2009, आज 23 से ज्यादा है। 2009 के उस रिपोर्ट के अनुसार 29% जेल में, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। और ये जो हमारे अफसर साहब जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, मेरा इससे अलग डिफरेंस। अभी एक खुफिया रिपोर्ट आई कि मिलिट्री के द्वारा ही महिलाओं के ऊपर रेप हो रहा है, मिलिट्री के द्वारा, जिसको देश की सुरक्षा सौंपी गई है। और ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट का लीक हो रहा है, सेकंड नंबर पर बंगाल के मुसलमान जेल में, थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश के लोग है जो सलाद में गए, उनकी क्या हालत है? सब्जी बेचने वाला, गैरेज चलाने वाला लड़का नहीं जेल में गया, जो एमबीए हुआ, एमएससी हुआ, बीए, अपने परिवार को तो पाल सकता है, नई लीडरशिप बन सकता है, ऐसे ऐसे लड़कों को स्क्वाड करके अंदर डाला गया। थोड़ा रहम करो, अरे अपने लड़के जो लीडरशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं। 2017 का चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उसी दरमियान एक लड़की की खबर सुनने आई, लखनऊ कोर्ट में यह तय हुआ, इलाहाबाद कोर्ट का मामला था, उसमें मैंने अखबार में पढ़ी, वो एक लड़का रिहा हो गया चुनाव के प्रेम। मैंने जब खबर पढ़ी तो मुझे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्या बीती सलाखों के अंदर। जब वो डिटेल खबर पड़ी तो उस दिन मुझे रोना आया, वो खबर में यह था, उस लड़के ने अखबार वालों को बयान दिया, जब मैं पकड़ा था तब मेरी उम्र 26 साल की थी, अब मैं रिहा हो गया, अब मेरी उम्र 46 साल की हो गई है, बताओ मेरे हाथ में क्या बचा। तब शादी एंगेजमेंट हो गया था, शादी तय था, जेल में गए, शादी नहीं हुआ, पता नहीं उस लड़की की शादी हुई या नहीं हुई। मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, मेरे अलावा मेरे घर में कोई पोसने वाला नहीं था, मैं अंदर गया, मेरे लोगों के, मेरे परिवार वालों को क्या बीती किसी ने पूछा तक नहीं था। यह हालत मुसलमान 52,000 बेकसूर लड़के सलाखों के अंदर है, अगर व्यवस्था की समझ है तो 52,000 बेकसूर लड़के सलाखों के अंदर क्यों है? बेदारी क्यों नहीं हो रही है? ये बेदारी करने के लिए बामसेफ को मजबूरन मुसलमानों का संगठन बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा वो भी बता कर जाता हूं। अगर यहूदी ब्राह्मण मुसलमानों का संगठन बनाकर मुसलमानों को छोड़ा, नॉन मुसलमानों को बेवकूफ कर रहा है कि मुसलमान औरतें ट्रिपल तलाक को रद्द करने की डिमांड कर रही है, कोई मुसलमान तंजीम ये नहीं कह रही है, ये झूठी औरतें, और ये तंजीम हमारा है ही नहीं, मजबूरी में हमने ये उनको नंगा करने के लिए बनाया। ये यहूदियों का संगठन है, ये मुसलमानों का नहीं है। इंडियन मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हम कह रहे हैं, नॉन मुसलमान कह रहे, सबसे चला रहे, आईबी से नहीं डर रहे, पुलिसों से नहीं डर रहे, कर रहे, बोल रहे, और उसके लिए हम कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हम खुला कह रहे, आतंकवाद का असली चेहरा मुसलमान नहीं है, आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मण है। जागृति छुपा कर नहीं हो सकती, जाहिर करने से हो सकती है, और इसके लिए आधार है, सबूत है। सबूत क्या है? 19 कोर्ट में 19 मुकदमे चल रहे हैं आरएसएस के लोगों के खिलाफ, आज भी केवल मालेगांव नहीं, 19 जगह पर मुकदमे चल रहे हैं, और 60-70 यहूदी ब्राह्मणों की, टेररिस्ट ब्राह्मणों की हमारे पास लिस्ट है, वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण, प्रज्ञा ठाकुर ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण रमेश उपाध्याय ब्राह्मण, सुनील जोशी ब्राह्मण, कश्मीर का ब्राह्मण शंकराचार्य पांडे ब्राह्मण,
जहां भी बम ब्लास्ट होता है अखबार वाले छापे इंडियन मुस्लिम मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ पठान ये मिला। अरे तुमने ही डिक्लेयर कर दिया इंक्वायरी कब होने वाली, तुमने डिक्लेयर कर जुडिशरी काय के लिए, अदालती क्या के लिए, जांच कमेटी काय के लिए। हमारा एक बक्सिम का कार्यकर्ता आतंकवादी कैसे बना था, हमारा एक कार्यकर्ता है शेख साहब कोल्हापुर जिले के जिला अध्यक्ष है हमारे बांसिम, हमारे में बांसिम का सदर बनना किसी कम्युनिटी के माथे पर नहीं लिखा है, वो तो किसी भी कम्युनिटी का बन सकता है। कोल्हापुर में हमारा बांसिम का सदर है, जिला सदर है शेख साहब। शेख साहब एक ऑफिसर है और उनका बच्चा ग्रेजुएट हो गया, बीएससी में ग्रेजुएट हो गया। और मुसलमानों में अच्छी बात है कि वो बच्चे जल्दी तरक्की पसंद करते हैं, कोई जवाब या कोई हाथ बगाने का काम करते हैं। उस बेटे ने बाप को कहा मुझे कुछ पैसा तो नहीं तो लोन लेता हूँ, मैं मोबाइल रिपेयर का शॉप चलाता चाहता हूँ। मुसलमानों में किसी भी काम करने के लिए कोई कमी पर नहीं है, सरकार नहीं दे रहा तो अपने ढंग से जी रहे, हराम की रोटी नहीं खा रहे, मेहनत की रोटी खा रहे और ताना लगा रहे मुसलमानों के ऊपर। बर्दाश्त आपको परेशान कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हो, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम उनको परेशान कर रहे, आप ही उनको परेशान कर रहे जैसे आप कर रहे हैं। परेशान करोगे मतलब अपने हक मांगो, ये दस्तूर हमारे हक में उनके हक में नहीं है। 3% ब्राह्मण 350 जजेस हाईकोर्ट के ब्राह्मण है, उनके बाप का रखा हुआ है ये ब्राह्मण 28 जजेस अकेले अकेले ब्राह्मण जाति के दीपक मिश्रा फैसला करने वाला यहूदी आपके खिलाफ 28 के 28 जजेस एक ही जाति के कैसे हो सकते हैं, हम बगावत कर रहे हैं, आप क्यों क्यों नहीं कर रहे, ये केवल बताने के लिए नहीं कर रहे, बगावत कर रहा होगा, आवाज उठानी होगी। हजरत अली साहब ने जैसा फरमाया जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। आवाज उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना मत करो तो कितनी कितनी असर कर रही है, धीरे धीरे बढ़ेगा। पैगंबर साहब से हमें यही सबक मिला कि चंद लोग थे मसावात चाहने वाले और यहूदियों के खिलाफ जंग में उतरे, पैगंबर साहब ने तलवार उठाई मसावात कायम करने के लिए, हथियार तक उठाना पड़ा, जान को नौछावर करने के लिए मैदान में उतरे, अपने दांत तक शहीद किए, मगर जालिमों के सामने घुटने नहीं टेके। उनको मालूम था जालिम कौन है, आज मुसलमानों को मालूम है जालिम कौन है, मगर बोल नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम। साथियों वो 52,000 बेकसूर लड़कों का मैं जिक्र कर रहा था, असली आतंकवादी वो है जो लोग हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उन आतंकवादी ब्राह्मणों ने फरीदाबाद 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बयान देते गुप्त मीटिंग थी, 48 ऑडियो और वीडियो सबमिट किए है कोर्ट में, करकरे जी ने सबमिट किए है और उसमें उनके टेलीफोन टैपिंग किए, टेलीफोन के रिकॉर्ड भी जिसके खिलाफ है वो सारे और रिकॉर्ड दर्ज किए, 48 वीडियो और ऑडियो है, उसमें से 2 ऑडियो और 2 वीडियो को सुनकर ट्रांसक्रिप्ट किया, शब्दांकन किया और कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा और उनके ऊपर मुकदमा केवल बम डालने का नहीं, ये लोग भारत का दस्तूर खत्म करने के लिए बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ऐसा वीक एविडेंस दिया और इसके लिए फरीदाबाद का 2008 का एविडेंस दिया। 2000 फरीदाबाद के 2008 के मीटिंग में पुरोहित कहता है We will fight the constitution. We will fight this nation. We will fight the nation. This nation is not ours. बाहर कह रहा है हिंदू है, SC ST OBC पर हिंदू कह रहा है, बम ब्लास्ट ने एक जाति नहीं किया, उसके साथ अहिर को नहीं रखा, फसाद के लिए ओबीसी को रखा, खुद घर में बैठे रिमोट कंट्रोल हाथ में रखा। जब फसाद करते हैं ओबीसी के लोग तो फिर थपथपा कर देते हैं तुम में मेरिट है, वाह तुम्हें मेरिट है, अगर अहिर ओबीसी फसाद करता है फिर थपथपा कर कहते हैं तुम्हें मेरिट है, और वही ओबीसी कहता है मेरा रिजर्वेशन तुमने खाया, मेरा रिजर्वेशन मेरे को दो, तब कहता है तुम भी मेरिट नहीं, ये मेरिट का मापदंड है। जब अपना हक मानता है बोलता तुम लायक नालायक हो, और जब फसाद करता है तो बोलता तुम बढ़िया लायक हो, एक ही फटके में दो बात। साथियों गुप्त मीटिंग में कह रहे हैं केवल ब्राह्मण लोग थे, उनको डाउट था
कि अगर बैकवर्ड कास्ट आएंगे तो ये बाहर आकर बोलेंगे अरे ब्राह्मण आतंकवादी इस देश के नहीं है, तो अपनी जाति में कह रहे हैं दिस नेशन इज नॉट आवर्स, इसका अर्थ होता है ब्राह्मण अपने गुप्त मीटिंग में कह रहा है ये मुल्क हमारा नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन, इसका मतलब होता है इस देश के संविधान है यहूदी 3% ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ी समस्या, तो संविधान को खत्म करने के लिए बमराज किया और इल्जाम मुसलमानों के ऊपर डाला, मालेगांव बमराज आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया, समझौता एक्सप्रेस का बमराज आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया, नांदेड़ नाम का जिला है महाराष्ट्र में, नांदेड़ नाम का जिला है, नांदेड़ में राजू कोंडरवार नाम का आरएसएस का प्रचारक था, उसने जुम्मे के दिन एक डेढ़ बजे तो बताते जुम्मे के दिन उसको बम फोड़ना था नांदेड़ में आबादी मुसलमान, तो रात को उसने बम सेटिंग किया, सब बक्सा बनाया, सब रख दिया महफूज जगह पर, और उसकी एक गलती हो गई, घड़ी जो होती है इंडिया की एम पीएम पे होती है, अब वो क्या हो गया उसको फोड़ना था एक बजे तो सेट किया मगर वो रह गए उसको बनाना था पीएम, बस पीएम में गड़बड़ी हो गई एम रह गया, रात के 11:30 बजे काम करके खाना पीना खाकर सो गया, रात का एम बज गया घर नहीं बम बन गया, सबूत के साथ पकड़ा, कांग्रेस की सरकार थी 2006 में उस तफ्तीश को रोक दिया, जब मालेगांव का इंक्वायरी शुरू हुई तब यह पाया गया कि उस घर में जो बम फटा था उसका आईडीएस और मालेगांव में जो बम फटा उसका आईडीएस एक है और आईडीएस मिलिट्री में मिलता है और मिलिट्री का आदमी